हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दी चैनल मेरा नाम है पूनम दुआ और मेरे साथ आज आप कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डायोलॉजिज्म बाय रशियन फिलोसोफर मिकाइल बाख्तिन तो पहले बाख्तिन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं फिर इस कंसेप्ट के बारे में जानेंगे मिकाइल बाख्तिन के इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं अब हम मिकाइल बाख्तिन एज आई टोल्ड वॉज अ रशियन फिलोसोफर रशियन फिलोसोफर एंड लिटरेरी क्रिटिक ऑल्सो ही वॉज अ सेंट्रल फिगर ऑफ द इंटेलेक्चुअल सर्कल दैट फोकस्ड ऑन द सोशल नेचर ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज सिर्फ कुछ रिटर्न uh, या स्पोकन वर्ड्स नहीं होते हर लैंग्वेज का एक सोशल कॉन्टेक्सट होता है सोशल मीनिंग होता है लैंग्वेज का और लिटरेचर का दोनों का तो ही वॉज अ रशियन फिलोसोफर लिटरेरी क्रिटिक एंड स्कॉलर वर्क ऑन लिटरेरी थ्योरीज एंड फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज और इनका जो बेसिक वर्क था वो सबसे ज्यादा था वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू के बीच में ही वॉज बॉर्न इन एटीन नाइन एंड डाइट नाइन रशिया इट तो इन्होंने दोनों वर्ल्ड वॉर्स बहुत अच्छे से देखी समझी सुनी होगी अपने लाइफ टाइम में तो अब बढ़ते हैं डायलॉजिज्म कंसेप्ट की तरफ और जानते हैं ये कंसेप्ट आखिर होता क्या है सो डायलॉजिज्म बेसिकली रेफर्स टू अ फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज एंड अ सोशल थ्योरी दैट वॉज डेवलप्ड बाय हिम उनके अकॉर्डिंग या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ डायोलॉजिक है लाइफ का मतलब ही तभी है जब दो लोग आपस में या दो से ज्यादा लोग आपस में बात करें और इवेंट्स को शेयर करें सो लिविंग मीन्स पार्टिसिपेटिंग इन डायलॉग बहुत ही बड़ी बात है मीनिंग तभी निकल कर आता है किसी भी चीज़ का जब आप किसी से बात करते हैं तब उस चीज का एक एक्स्ट्रा मीनिंग निकल के आता है आप पूरा दिन खड़े रहिए मिरर के सामने On उसका शायद कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि यू स्पीक टू समबडी एल अदर ह्यूमन बींग सो वी कैन से वर्क ऑफ मिकाइल बखते प्रॉब्लम्स कंसर्निंग लिटरेचर एंड देफोर दिस वर्क टेंड्स टू बिलोंग टू द फील्ड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म अब बढ़ते हैं इस कंसेप्ट की तरफ थोड़ा सा और डिटेल में तो आखिर ये कंसेप्ट है क्या और उन्होंने किस तरीके से हमें समझाया उन्होंने हमें समझाया बेसिकली नावल्स और पोएट्री के डिफरेंस के थ्रू बाग्टिन यूज द कन्सेप्ट ऑफ डायलॉजिजम इन डिस्कसिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन नावल्स एंड पोएट्री दीज टू लिटरेरी फॉर्म्स एंड ही स्टेट्स ही टेल्स अस द काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन दैट टेक्स प्लेस इन पोएट्री एंड दैट टेक्स प्लेस इन नावल्स तो आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट में देखते हैं वो और क्या कहना चाहते हैं इस कंसेप्ट के थ्रू और पोएट्री के बारे में स्पेसिफिकली हमें क्या जानने को मिल रहा है तो इन पोएट्री बाग्टिन आर यूज वर्ड्स आर यूज मोनोलॉजिकली मोनोलॉजिकली का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल पर्सन से बात करता है एज इफ दे हैव नो कनेक्शन टू सोशल और हिस्टोरिकल रिलेशन तो ऐसा लगता है कि बस एक पर्सन बात किए चले जा रहा है जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था आप मिरर के सामने खड़े होकर चाहे दिन भर बात कर लो अपने आप से इट विल हैव नो मीनिंग तो सेम ही सेज अबाउट पोएट्री की पोइट्री में सिर्फ मोनोलॉग्स होते हैं एक पर्सन का व्यू पॉइंट होता है कोई हिस्टोरिकल और सोशल कंटेक्सट एटलीस्ट बक्तिन को नजर नहीं आता था अ वर्ड हैज मीनिंग ओनली इन रेफरेंस टू लैंग्वेज इट्स तो जब भी कोई पर्सन पोएट्री को पढ़ता है तो राधर देन नोइंग द कॉन्वर्सेशन वॉट द पोइट वॉन्ट्स टू से वी वॉन्ट टू नो वॉट दैट पर्टिकुलर वर्ड एक्चुअली मीन्स एज पर द डिक्शनरी तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब प्रोज के बारे में क्या विचार है इनका इन प्रोज फिक्शन बाय कंट्रास्ट वर्ड्स आर यूज्ड डायलॉजिकली और हैविंग बोथ हिस्टोरिकल एंड सोशल मीनिंग जिसका एग्जांपल उन्होंने दिया है नॉवेल्स तो वी कैन आल्सो अग्री विद द सेम थिंग द फॉर्म ऑफ द नॉवेल्स आर एग्जैंप्लीफाइड हेयर एंड ही सेज दैट In novels, there is an engagement of different voices, different characters, different worldviews rather than a single worldview like poetry. आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट में और एक टर्म समझते हैं डबल वॉइस्ड डबल वॉइस्ड टर्म शायद हमने सुनी होगी शायद कईयों ने नहीं सुनी होगी सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ पकट डायलॉजिक्स अपीयर्स इन डिस्कशन ऑफ द टर्म डबल वॉयस्ड डबल वॉइस से उनका मतलब था कि जब पोइट्री में किसी वर्ड को यूज किया जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका एक सिंगल मीनिंग ही होता है लेकिन जब कॉन्वर्सेशन में उसी वर्ड को यूज किया जाता है तो इट कैन हैव अ डिफरेंट मीनिंग मोर देन वन मीनिंग कैन बी देर तो अ डबल वॉइस वर्ड कंटेनिंग टू मीनिंग्स अ लिटरल एंड मोनोलॉजिक मीनिंग एज वेल तो आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल uh, के थ्रू भी समझेंगे इसी चीज को तो आगे हम उस एग्जाम्पल पर एक एग्जाम्पल लीजिए वर्ड स्मार्ट का तो जब कोई प्रोफेसर कहता है शी इज वेरी स्मार्ट तो हम मोस्टली किसी गर्ल की इंटेलिजेंस की तरफ इंडिकेशन मानते हैं उस चीज का बट वेन द टू स्टूडेंट्स हु डिसलाइक दिस पर्सन सेज शी इज वेरी स्मार्ट तो तब हम उसकी कनिंगनेस से रिलेटेड या उसकी किसी नेगेटिव क्वालिटी से रिलेटेड वर्ड्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं या मीनिंग को इंटरप्रेट कर सकते हैं तो जब एक सिंगल पर्सन कुछ बोल रहा है तब उस चीज़ का बिल्कुल लिटरल मीनिंग होता है बट वेन देर इज़ अ डायलॉग टेकिंग प्लेस तब उसी वर्ड स्मार्ट का एक अलग मीनिंग निकल कर सामने आता है या आ सकता है आगे बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट की तरफ uh, और ऑलमोस्ट वी हैव रीच टू द कंक्लूजन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डायलॉजिज्म अ डायलॉजिकल वर्ड इज ऑलवेज इन एन इंटेंस रिलेशनशिप विद अनदर वर्ड तो डायलॉजिकल जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होता है दूसरे वर्ड से भी ऐसा नहीं है कि डायलॉजिकल वर्ड सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग को इंडिकेट करते हैं और डायलॉजिक इज कम्युनिकेशन तो डायलॉजिक का मतलब भी है कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच की बात कम्युनिकेशन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग डायोलॉजिक प्रोसेसेज रेफर टू इम्प्लाइड मीनिंग इन वर्ड अटर्ड बाय अ स्पीकर एंड इंटरप्रेटेड बाय अ लिस्नर तो अपने आप में ही डबल मीनिंग का कंसेप्ट आ जाता है कि दो बार कम से कम उस वर्ड को इंटरप्रेट किया गया एक बार जब स्पीकर ने बोला है उस वर्ड को और एक बार जब लिस्नर ने उसको इंटरप्रेट किया है तो uh, poetry we can say is a kind of monologic we just get the voice of the poet poet ki voice sunai deti like an authority but a prose is more social as we get to hear conversation conventions and discussions so uh, basically we can think about the difference between poetry and novel and maybe that is the reason more number of literature lovers are inclined towards reading fiction rather than poetry तो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ गया है एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन और क्लासेज यू कैन कॉन्टेक्ट एट द गिवन नंबर्स और मिकाइल वक्त के और वीडियोज को अपलोड कर दिया जाएगा आप इस uh, वीडियो के यहाँ दिए गए लिंक को क्लिक करके उन नेक्स्ट वीडियो तक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पहुंच सकते हैं थैंक्स अलाट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स